तो भाई मैं नीचे था उस टाइम, और मैंने देखा बाघ जो है इधर आ रहा था यहाँ पे। तो दोस्तों गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार और प्रणाम, और स्वागत है आपका पहाड़ी भाई लोग यूके वाले चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण नौटियाल और मेरे गांव का नाम है मिसर गांव, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धनारी क्षेत्र में पड़ता है। अभी बज गया है दिन का 2:15 और मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज का ब्लॉग मेरा हो रहा है दिन के 2:15 से स्टार्ट। तो सुबह से जो है आजकल बिजी ही रह रहा हूँ, और आज जो है सुबह सुबह जो है सर दर्द भी हो रहा था भाई, इस चक्कर से भी ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं कर पाया। क्षमा चाहता हूँ, आजकल जो है लेट में ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं भाई, कभी कभार जो है हो जाती है लेट भी। तो अभी जो है दिन का 2:15 बज चुका है और खाना पीना हमने खा लिया है। अभी मैं हूँ घर पे और मेरे साथ जो है डुगु है। तो डुगु जो है इधर आगे कहीं बैठ रखा है खाना खाने के बाद में। तो माँ जा रखी है अभी छान में, और साथ में जो है दीदी भी जा रखी। तो कल शाम को जो है यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, और उसके साथ में जो है भांजी भी आ रखी। तो वो जो है मंगवाज के लिए आ रखी है, तो उसके लिए जो है अभी मंगवाज भी बना रहे हैं। मंगवाज बने तो हमारे पहाड़ी रिवाज जो है कड़ियों को जो है इस महीने में जो है मंगवाज दिया जाता है। कड़ियों जिसको बोलते हैं, ऐसे बनाते हैं, चावल को भिगा के डालते हैं, उसके बाद में फिर जो प्रोसेस होता है वो मैं आगे आपको बताते रहूँगा। वैसे तो वो भी जो है छान में जा रखी है, और पिताजी जा रखे आज पिपली, वहाँ से कुछ सामान लेके आएंगे। तो अभी भाई मैं ही हूँ घर पे। तो मौसम की बात करें तो ये देखिए भाई, कल जो है बढ़िया करके धूप लग रखी थी, और आज देखिए भाई थोड़ी देर धूप लग रही है, थोड़ी देर जो है गायब होती जा रही है। और अभी देखिए आसमान में इतने सारे बादल आ गए कि क्या ही बताएं। तो पहाड़ों का मौसम भाई कुछ नहीं बोल सकते, और हवा जो है इतनी भयंकर चल रही है जैसे कि बर्फीली हवा चल रही है। चलो अब थोड़ा चाय बनाते हैं, तब तक माँ और भी आ जाएंगे, फिर चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। है 4, और अभी मैंने चाय भी पी ली है, और माँ लोग भी आ गए अभी छान से। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये जो है आज अंदर ही रहा, ये कल के भिगा रखे थे चावल और अभी डाले बाहर पे। थोड़ी देर अभी धूप लगी तब डाले बाहर पे, नहीं तो वो अंदर ही थे। चलो इसका पानी जब पूरा निकल जाएगा उसके बाद में जो है कल सुबह इसको चक्की पर ले कर जाएंगे चावल को, और उसके बाद में जो है पिसा के लाएँगे, तो फिर जो है उसके अरसे बनाएँगे। तो अरसे कैसे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा। बाकी यहाँ पे देखिए हल्की फुल्की धूप भी आ रही है अभी। तो मौसम जो है बहुत ख़राब हो रखा है, थोड़ी देर जो है धूप लग रही है, थोड़ी देर बाद जो है धूप गायब होती जा रही है। तो इस चक्कर से जो है ये अभी डाला भाई, क्योंकि रात को जो है देर में भिगाया था उसको, तो फिर सुबह तो धूप लगी थी लेकिन प्रॉपर ढंग से वो भीग नहीं पाया था, तो अभी डाल रखा वो बाहर पर। तो चलो कल सुबह के लिए जो है बराबर वो सूख भी जाएगा उसमें जो पानी है। बाकी माँ लोग जो है अभी रोड पे जा रखे, वहाँ पे कुछ सामान लाए बट पिताजी ने, तो वो लेके आ रहे। चलो भाई अब थोड़ा जो है एक बार फिर से चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं गांव के लिए। शाम का बज गया है 6, और अभी मैंने चाय भी पी ली है, और मैं आ रखा हूँ अभी छत के ऊपर। मेरे साथ में जो है डुगु भी आ रखा है। डुगु जो है ये बैठ गया यहाँ पे मस्त करके। डुगु ये देखो भाई, डुगु भी जो है मस्त करके यहाँ पे बैठ रखा है। और अभी जो है शाम को इतनी ठंडी हवा चल रही है कि क्या ही बताएं, पूरे कान जो है सुन हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने जैकेट और टोपी भी पहन रखी है। तो अब देखिए भाई दिन जो है कितने बड़े हो गए, 6 बज गई लेकिन अभी तक जो है रात नहीं पड़ी। नहीं तो इससे पहले 2-3 महीने पहले जो है इस टाइम पे लोगों का खाना पीना भी हो जाता था। चलो भाई दिन दिन की बात है। तो कल रात को जो है यहाँ पे बाघ आ रखा था भाई हमारे घर के आजू बाजू, इधर ऊपर साइड इधर साइड। डुगु जो है भयंकर भोंक रहा था, मैं गाँव से आया, डुगु जो है भोंकते जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था।
जब मैंने इधर उधर टॉर्च लगाई, इधर उधर गया मैं, थोड़ा इधर आया मैं, ऊपर साइड इधर गया, तब हुआ भाई डुगुचुक। नहीं तो वो भूखते ही जा रहा था। एक टाइम भाई पहले आया था यहाँ पे बाघ, जब डुगु छोटा था, 1 महीने का था जब डुगु, तो उस टाइम यहाँ पे बाघ आया था। तो भाई मैं नीचे था उस टाइम, और मैंने देखा बाघ जो है इधर आ रहा था यहाँ पे, तो डुगु को मैंने उस टाइम पे अंदर रखा था। और फिर जैसे मैं छत के ऊपर आया, और मैंने वीडियो भी बना रखी है, फिर जो है बाघ ऊपर चले गया था मंदिर पे, वो सामने पे। अब तो वहाँ पे मंदिर बन गया है, लेकिन उस टाइम पे जो है मंदिर नहीं बना था। तो वो क्लिप में मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। आप अगर ये बोल रहे होंगे कि झूठ बोल रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बाघ आता रहता भाई। अब तो डुगू बड़ा हो गया, लेकिन कुत्ते के चक्कर से जो है बाघ राउंड मार दे जाता भाई यहाँ पे। तो वैसे तो डुगू श्याम को मैं बांध देता हूँ, फिर जब खाना खोना खा लेते हैं तो उसके बाद में फिर मैं उसे अंदर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा घर जो है गांव से बहुत दूर है भाई। ये देखिए गांव जो है ये इधर है, और मेरा घर जो है इधर है अकेले में। बाकी और भी परिवार है, लेकिन कुछ परिवार जो है उत्तरकाशी रहते हैं, कुछ कहीं रहते हैं। यहाँ पे जो है हम हैं, एक परिवार जो है नीचे है। बाकी ये देखिए भाई डुगू जो है भूंगने लग गया, देखिए छत के ऊपर आ रहा है, मस्त करके भूंग रहा भाई। तो चलो भाई चलते हैं थोड़ा गांव के लिए, क्योंकि गांव में भी जो है घूमना ज़रूरी है भाई। ये देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे जो है बाघ आ रखा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो देख रहे हैं आप। ये देखिए चलेगा ऊपर। बज गया है रात का 8:15, और गांव से चलने के बाद में अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पे। बाकी माँ लोग जो है किचन में खाना खा रहे हैं, दीदी भी और पिताजी भी, और डुगू भी जो है वहीं पे बैठ रखा है भाई बाहर पे। बाकी यहाँ से देखिए भाई गांव जो है ये है मेरा इधर। तो अभी जो है मस्त करके गांव की लाइट भी चमक रही है। तो दोस्तों रात का बज गया है 8:15, तो आज की वीडियो को अब यहीं पर क्लोज़ करते हैं, क्योंकि खाना पीना भी खाते हैं, फिर जो है एडिटिंग पे लगते हैं। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।